रनौत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जो खुलकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं। मुद्दा बॉलीवुड से जुड़ा हो या फिर राजनीति से, एक्ट्रेस अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत ने अब द केरल स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें, इन दिनों द केरल स्टोरी हर तरफ चर्चा में बनी हुई है। जिस तरह का रिस्पॉन्स दर्शकों ने पिछले साल आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया था, उसी तरह का रिस्पॉन्स अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी को मिल रहा है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिल रहा है, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब इस फिल्म पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हाल ही में कंगना ने एक लीडिंग न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में खुलकर इस मुद्दे पर बात की। कंगना ने फिल्म का विरोध करने वालों को लताड़ लगाते हुए उन्हें आतंकवादी तक बता दिया। कंगना ने इंटरव्यू के दौरान कहा, देखिए मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन फिल्म को बैन करने की बहुत कोशिश की गई है। मैंने आज इसे पढ़ा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मुझे लगता है ये किसी को भी खराब रोशनी में नहीं बल्कि केवल ISIS को दिखा रहा है ना। अगर देश की सबसे जिम्मेदार संस्था हाईकोर्ट ये कह रही है तो वो सही कह रही है। ISIS एक आतंकी संगठन है, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें आतंकवादी कह रही हूँ। हमारा देश, गृह मंत्रालय और अन्य देशों ने भी उन्हें ऐसा कहा है। कंगना रनौत ने आगे कहा, अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो आतंकवादी संगठन नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर आप भी आतंकवादी ही हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक आतंकवादी संगठन एक आतंकवादी नहीं और उनको आतंकवादी घोषित किया गया है कानूनी रूप से, नैतिक रूप से, हर मानक के अनुसार, और आपको लगता है कि वो आतंकवादी नहीं है, तो फिल्म से ज्यादा आप एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में आपको पहले सोचना चाहिए आप जीवन में कहां खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं जो सोचते हैं कि ये उन पर हमला कर रहा है, ISIS पर नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आप पर हमला कर रहा है तो आप आतंकवादी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ये सिंपल मैथ्स है। बता दें, जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तब इसे लेकर बवाल मचा था। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि 32,000 लड़कियां लापता हो गई और बाद में आतंकवादी समूह ISIS में शामिल हुए। हालांकि मेकर्स ने बाद में फिल्म के ट्रेलर में बदलाव करते हुए इस आंकड़े को वापस ले लिया और इसे केरल की 3 महिलाओं की कहानी बताया। फिल्म को लेकर भी लोग 2 धड़ों में बटे हुए हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरल स्टोरी पर बात कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए
कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बता दें, कांग्रेस इस फिल्म पर सवाल उठा रही है और इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DYFI ने भी फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि इस फिल्म को राज्य की छवि खराब करने के लिए ही बनाया गया है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना ने द केरल स्टोरी पर बात करते हुए फिल्म का विरोध करने वालों को लताड़ लगा दी। बताते चले, द केरल स्टोरी को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है जबकि फिल्म को विपुल शाह ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल निभाए हैं। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 3 दिनों में ही 35 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर धमाल मचा दिया है। देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कमाई के मामले में पीछे छोड़ पाएगी या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।